हेलो फ्रेंड्स, गौरी स्टिचिंग कान्हा जी ड्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने क्रोसी से लेस बनाई है। इसे आप किसी भी कान्हा जी की ड्रेस या फिर कार्डिगन या बेबी फ्रॉक या कुछ भी आप बना सकते हैं जिस पर ये। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितनी बड़ी आपको लेस बनानी है उतनी बड़ी आप चैन बना लीजिए। इसे आप चाहे बेबी फ्रॉक, बेबी जैकेट, किसी भी चीज़ पर आप लगा सकती हैं। ये देखिए, मैंने चैन बना ली है। तीसरी चैन में जाकर हर एक चैन में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो लेस है ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसे बेबी फ्रॉक पर लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये ऊन कट कर ली है। अब देखिए लेस बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है। ये देखिए, पांच चैन बना ली है मैंने, तीन चैन बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए, पांचवी चैन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद चार चैन लेंगे। ये देखिए, और दो चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद तीन चैन छोड़ेंगे। ये देखिए, दो चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में जाकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक दो दो चैन देंगे और फिर इसी होल में जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे। फिर से इसी में जाकर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन देंगे। दो डबल क्रोशिया हो गए हमारे। ये देखिए, तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन लेंगे, एक और चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। देखिए, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया हो गए, दो चैन देंगे और इसी होल में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है। उसके बाद तीन चैन छोड़ेंगे, दो चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में ये देखिए फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चार पाँच, पांच चैन दी हैं हमने। इसके बाद तीन चैन देंगे। ये देखिए, तीन चैन लेने के बाद जो पांचवी चैन है उसमें जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे और दो चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में ये देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे और उसके बाद ये देखिए फिर से दो चैन छोड़ने के बाद फिर से हम ये दूसरे वाला डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर दो चैन लेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चैन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे। ये देखिए, इस होल में हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चैन लेंगे, तीन हो गए। ये देखिए, चार डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद दो चैन देंगे और इसी होल में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह ये हम पूरी रो में इसी तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमने ये डिज़ाइन पूरा कर लिया है। इसके बाद ये ऊन कट कर लेंगे। जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, जितनी भी आपको बड़ी लेस बनानी है उतनी बड़ी चैन लीजिए। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाइए एक एक चैन में, फिर ये डिज़ाइन इस तरह से निकालिए। जब आप बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने तीन चैन ली है। यहाँ पर हम गुलाब की कलियाँ बनाएंगे। इसी होल में
एक बार बल लेकर निकाला, दो बार, तीन बार और ये चार बार। ये देखिए चारों को एक साथ इस तरह से बांध लेंगे, फिर दूसरे होल में जाकर इसी तरह चार बार बल लेकर निकालेंगे। ये देखिए एक, दो, तीन, चार। ये देखिए इस तरह से ये दो बार निकाला, इस तरह से इसे बांध देंगे, हर होल में चार बार बल लेकर इसी तरह से निकालेंगे। देखिए ये लैस बनाना बहुत ही आसान है और इस लैस को आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं, जैसे फ्रॉक हुई, बेबी फ्रॉक, कार्डिगन वगैरह। ये देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से पांच कलियां बना ली हैं हमने। ये देखिए इस तरह फंदे को यहाँ पर छोड़कर, ये जो हमने लास्ट शुरू में तीन चैन बनाई थी, फर्स्ट तीसरी चैन में जाकर देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसे बांध लेंगे। देखिए एक, दो, तीन, ये देखिए तीन चैन बना दी है हमने। नेक्स्ट होल में ये देखिए जो हमारी चैन बनी हुई है, ये देखिए इस चैन में इस तरह से डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर। ये देखिए और इसके बाद एक, दो, ये तीन, ये देखिए हमने तीन चैन बना ली है और जो ये होल बना है इसमें जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब नेक्स्ट होल में बनाएंगे। ये देखिए ये जो चैन है हमारी इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर तीन चैन ली हमने और जो ये होल है इस तरह से इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना। इसी तरह हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाकर इसी तरह से हमें ये बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। सर्दियों में जो स्टॉल वगैरह बनाते हैं, चाहे तो आप उन पर भी ये लैस बनाकर लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने फूल बना लिया है। जो लास्ट में जो हमने ये बनाया है वहाँ पर जाकर इसे जॉइन करेंगे। देखिए एक फूल बनकर हमारा तैयार हो गया है। देखिए आप इसमें अपनी पसंद की कलर के जो फूल है वो बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये लाल रंग का फूल बनाया है। ये देखिए ये मैंने दूसरे कलर की ऊन ली है, इसमें भी देखिए इसी तरह से चार बार बल लेकर ऊन निकालेंगे। इस तरह से आप अपनी पसंद के अलग अलग कलर के फूल बना सकते हैं, वो और भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह हर एक होल में चार बार निकालेंगे और इस तरह से बांध लेंगे। ये जो लैस है ये बहुत ही जल्दी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से हर एक होल में इस तरह से बनाएंगे तो हमारी ये पांच कलियां बन जाएंगी और अलग अलग कलर की ऊन से ये फूल हम बनाएंगे तो और भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपको इनसे थोड़ी भी सीखने को मिलती है
तो हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए हर एक चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन चैन बनाकर इस तरह से, ये देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखिए मैंने छोटी लैस बनाकर दिखाई, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी बड़ी आप लैस बना सकते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।